नमस्कार दोस्तों, भास्मी अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिज्ञान और आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड और सौर मंडल के बारे में, यानी यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के एमसीक्यू सीरीज के बारे में, जो जिसके पहले हम लोगों ने इसके थ्योरी पार्ट्स को कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल वे में हम लोगों ने इसे कर लिया था। अब हम लोग उसके एमसीक्यू पार्ट्स को देखेंगे, ताकि जो क्वेश्चन भी मिस हुए हैं या फिर जिन क्वेश्चंस को हम लोगों ने और भी डिटेल में करने से कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने छोड़ा था, उन टॉपिक्स को हम लोग एमसीक्यू के थ्रू कर लेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो प्रश्न ये है कि सूर्य जो हमारा स्टार है, जो हमारा तारा है, उसके चारों ओर घूमने वाला जो खगोलीय पिंड है यानी सेलेस्ट्रियल बॉडी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, निहारिका कहते हैं या प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। तो हम लोग इसे एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं, ताकि हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी क्लियर कर लें, ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आगे जाकर या फिर किसी और टॉपिक पे, तो वो हमें हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इसका आंसर होने वाला है ग्रह। ग्रह जो है वो हमारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक पूरा फुल रिवॉल्यूशन पूरा करता है, और उसे हम ग्रह कहते हैं। बात करते हैं उपग्रह की, तो उपग्रह सैटेलाइट को कहते हैं इंग्लिश में, और ये जो है ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करती है। उपग्रह जो है वो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करती है, रिवॉल्यूशन करती है। बात निहारिका की करते हैं, तो जिस तरह हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग के ओरिजिन पॉइंट्स पार्ट को पढ़ा था, हमने यूनिवर्स के ओरिजिन में, मतलब कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हम लोगों ने निहारिका का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हाइड्रोजन के बहुत गर्म गर्म गैस के बादल हैं जो कि बनने के समय फैले रहते थे और अभी भी काफ़ी हद तक फैले हुए। और लास्ट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये एक हमारे सोलर सिस्टम से नज़दीक का, सबसे नज़दीक का एक तारा है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है, कि ग्रहों की जो स्पीड है उसके बारे में किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, किसने सबसे पहले बताया? तो ये कॉपरनिकस ने बताया था, और कॉपरनिकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉपरनिकस के बारे में पहले भी पढ़ रखा है। पोलैंड के ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट किया है, जैसे कि समस्त ब्रह्मांड को जो है केंद्र बिंदु जो है वो सूर्य को बताया इन्होंने, जो इम्पॉर्टेंट हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हेलियो मीन्स की सन और सेंट्रिक थ्योरी मीन्स की सेंटर बताया गया है, पूरे सन को, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का सेंटर बताया गया है, उसे हम लोग हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, और ये हमारे कॉपरनिकस ने दिए, जो कि पोलैंड के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। सौरमंडल के सारे ग्रहों को वृत्ताकार के रूप में इन्होंने बताया था, कि मतलब कि ये जो है एक सर्कल के रेट में, इसका जो पाथ है वो एक सर्कल का पाथ है, जिसको बाद में केपलर ने आकर नकार दिया था, ये हम लोग भी याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अरेंज करने के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, कि अरेंज करने में, क्योंकि अगर हमें एक एक क्वेश्चन का हमें आंसर पता है तो हम उसको अरेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम लोग एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को बहुत आसान कर सकते हैं। अगर इस तरह की अरेंजिंग आ जाए तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे। जैसे कि हमें पूछा गया है कि बढ़ती दूरी के अनुसार पूछ रहा है कि सूर्य से कौन सा क्रम सही है, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर आती है, तो इसमें हम लोग इस ऑप्शन को काट देंगे, क्योंकि मंगल तीसरे नंबर पर हो ही नहीं सकती। हम लोग शुक्र को भी काट देंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पर हो नहीं सकती। बाद बचा वन और तीन, तो हम लोग जानते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये हमारा, इसने हम लोगों ने इसमें फिगर इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग इसको विजुलाइज कर पाएंगे, ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से कंपेयर भी करेंगे कि क्या सच है, और इसको अगर इस तरह से देखेंगे तो हमारे एग्जाम में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और हमें लंबे समय तक याद रहेगा। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, जो कि हम लोग को पता ना चले लेकिन हम लोग को वर्क बहुत करता है। तो मरकरी, विनस, अर्थ, माँ की, बुध, शुक्र, पृथ्वी और फिर मंगल, ये चार जो है इनर प्लैनेट्स हैं, बाकी के चार जो है आउटर प्लैनेट्स हैं, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जो भी इन प्लैनेट्स, जो आंतरिक ग्रह हैं वो रॉकी प्लैनेट्स यानी कि वो चट्टानी ग्रह हैं, और ये गैसीय ग्रह हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से हम लोगों को क्लियर करना है। इसमें भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें पता है कि बृहस्पति इसमें तीन ऑप्शन में दिया है, यानी चौथे में बृहस्पति नहीं दिया है, सबसे बड़ा जो है हमारा बृहस्पति ही है, तो एक ये ऑप्शन हमारा कट हो गया आसानी से।
बृहस्पति बृहस्पति यहाँ भी है, तीनों में। तो हम लोग अब पीछे से ट्राई करते हैं। तो पीछे में सबसे छोटा हमें पता है कि बुध है, यहाँ शुक्र दिया है यानी ये भी नहीं है, और मंगल है तो यानी ये भी नहीं। तो कितनी आसानी तरीके से, बहुत ही आसान वे में हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है इसका सिक्वेंस है बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध। इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सिक्वेंस को क्लियर कर सकते हैं और एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से हमारा मिस नहीं होगा अगर हम लोग थोड़ी सी सावधानी में रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। विजुलाइजेशन की बात की थी मैंने क्योंकि हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि कौन सा ग्रह कितना बड़ा है, बस पढ़ लेते हैं और पढ़ने के क्रम में हम लोग इमेजेस भी देखते हैं, लेकिन इमेजेस तो हमको सारे के सारे सेम दिखते हैं। पर हम लोग इस इमेज के दौरान ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह जो है कितना बड़ा है और दूसरा ग्रह उससे कितना छोटा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि हम लोग को जनरली देखने को नहीं मिलती है। जनरली हम लोग सारे ग्रहों को एक एक तरीके से ही मतलब देख लेते हैं कि हाँ ये इतना बड़ा है, फिर दूसरा भी उतना बड़ा है, मतलब सबको एक तरीके से दिखाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन कितना बड़ा है। क्लियर है? पांचवा क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायमंड रिंग, अब पहले बात की डायमंड रिंग घटना है क्या, कब होती है? सूर्य ग्रहण के दौरान होती है, चंद्र ग्रहण के दौरान होती है, अपसौर में होती है या उपसौर में होती है। चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है उसके दौरान जो है इस डायमंड रिंग की घटना को हम लोग देखते हैं। अब ये डायमंड रिंग की घटना क्या है तो इसको समझने के लिए हम लोग को नेक्स्ट फिगर पे आना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब हमारा सोलर इक्लिप्स होता है तो सोलर इक्लिप्स के होते ही हम लोग जब हमारा जो पूरा का पूरा वो डार्क शैडो पूरा का पूरे सन को कवर कर लिया जाता है मून के द्वारा, और तब जब मून हमारे सन को छोड़ती हुई निकलती है, जब छोड़ती हुई वो निकलने लगती है, तब एक छोटी सी एक लाइट रिंग के आकार की खूबसूरत सी लाइट निकलती है, और उसी फेनोमेना उसी घटना को हम लोग डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर हम लोग किस तरीके से देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ऐसा कौन सा इसमें आकाशीय पिंड है जो हमारे सोलर सिस्टम का भाग नहीं है? देखते हैं, शुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। तो इसमें हम लोगों ने एस्ट्रॉयड बेल्ट को पढ़ा था कि शुद्र ग्रह जो कि दो एस्ट्रॉयड बेल्ट में आता है, एक एस्ट्रॉयड बेल्ट जो कि हमारे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच से निकलती है, वो शुद्र ग्रह की एक रेखा थी, और कुपियर बेल्ट भी देखा था हम लोगों ने, तो शुद्र ग्रह तो है हमारे पास। फिर धूमकेतु, वो भी हमारे पृथ्वी के कक्ष तक पहुंच जाते हैं या फिर हमारे सौरमंडल में तो कई सारे हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये भी है हमारे पास। ग्रह की बात करते हैं तो हमारे पास, हमें पता ही है कि टोटल आठ हमारे पास प्लैनेट्स हैं, हमारे आठ ग्रह हैं। बट जब बात निहारिका की होती है तो निहारिका जो है हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि निहारिका जो है हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। क्लियर है? ये फिगर में आप देख सकते हैं कि निहारिका क्या है, बहुत बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के, हीलियम गैस के जो है बादल हैं, और बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ये देखे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? अब इसमें पार्थिव ग्रह की बात करती है, पार्थिव ग्रह क्या होते हैं? बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो इसमें से हम कह सकते हैं कि शनि जो है ये पार्थिव ग्रह नहीं है। तो जो हमारे शुरू के चार ग्रह हैं वो हमारे पार्थिव ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसको रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं, जिसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। ये चार के चार जो है हमारे पार्थिव ग्रह हैं, लेकिन ये जो शनि है हमारा, ये हमारा जो है वो एक गैसियस प्लैनेट है, पार्थिव ग्रह नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो ऐसे कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है? तो ये भी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अंतर्गत ही आ गया था, जब कॉपरनिकस ने, जो कि पोलैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो सेंटर है उसका जो है वो सन है, और बाकी के जितने भी सेलेस्ट्रियल बॉडीज है, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो हमारे कॉपरनिकस भाई साहब ने ही दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी,
एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सूर्य से जो सबसे अधिकतम दूरी है, सूर्य से जो सबसे न्यूनतम दूरी है, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस, उसको भी हम लोग डेफिनेशन में देखते हैं और वो काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग इन क्वेश्चन को भी देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक ऐसा ग्रह जो अपने सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अधिकतम दूरी की जब भी बात होगी तो उसे हम लोग कहेंगे अपसौर, और जब भी न्यूनतम दूरी की बात हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे उसे उपसौर। इंग्लिश में बात करें तो जो सबसे ज़्यादा दूरी होगी उसको हम लोग एपीहेलियन कहते हैं, और जो सबसे कम दूरी होती है उसको पेरिहेलियन कहते हैं। उपभू और पेरजी भी, ये दोनों भी हैं, ये लेकिन रिलेट करते हैं हमारे मून से। जो सबसे नज़दीक हमारे मून के पहुंच जाता है वो पेरजी कहते हैं, और जो हमारे मून से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, तो उसको उपभू कहते हैं। इस तरह से हम लोग इन चारों ही टर्म्स को देख सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उपसौर, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, उपसौर जो कि हमारे पृथ्वी और हमारे सूर्य के बीच में जो है बहुत कम डिस्टेंस रह जाता है, इवन न्यूनतम डिस्टेंस रह जाता है, उसको हम लोग उपसौर कहते हैं। और जब वही डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है हमारे पृथ्वी और हमारे सूर्य के बीच, तो उसको अपसौर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप इमेज के थ्रू कि एपिहेलियन और पेरिहेलियन यानी कि अपसौर और उपसौर में क्या डिफरेंस है। ये हमारा, आप लोग जैसा जानते हैं कि ये हमारा जो पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ है, अंडाकार पाथ है, तो वो क्या है, एक टाइम पर ऐसा आता है जब वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, और एक ऐसा टाइम भी आता है जब डिस्टेंस कम हो जाता है। तब जब वो डिस्टेंस बढ़ जाता है और मैक्सिमम हो जाता है तब उसको एपिहेलियन कहते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे को आता है, 4 जुलाई 2022 को ये देखा गया था हमारे, मतलब अगर ईयर की बात ना करें तो 4 जुलाई को जो है वो सबसे डिस्टेंस पे चला जाता है, सबसे दूर हो जाता है, उसको एपिहेलियन कहते हैं। और 4 जनवरी को ये सबसे क्लोज आ जाता है हमारे, जिसको हम लोग पेरिहेलियन कहते हैं। आई होप अंडरस्टैंड हो गया, ये क्लियर है आप लोगों का। ठीक, चंद्रमा की भी हम लोग बात कर ही लेते हैं, जब हम लोग सूर्य को देख लिया तो चंद्रमा को भी हम लोग इस तरीके से डील करना चाहते हैं कि इसमें क्या है, एपोजी और एपोजी की बात हो रही है और उपभू की बात हो रही है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस की बात हो जाती है, जैसे कि हम लोग इसको उपभू की बात करते हैं, तो जब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है उसको एपोजी कहते हैं, और जब से सबसे कम डिस्टेंस हो जाती है उसको पेरिजी कहते हैं। ठीक है, सूर्य की सतह पर 10वां क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा बहुतायत में पाए जाने वाला जो है गैस है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें पता है कि सूर्य पर जो है वो हाइड्रोजन गैस है, सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है, जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा टूट कर बिखर रहा है और हीलियम गैस में बन रहा है, और हीलियम गैस में बनता जा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के बाद जो मैक्सिमम नंबर पे जो गैस है वहाँ पे वो हीलियम है। हीलियम है, नियॉन कम है, उसमें आर्गन भी कम है और ऑक्सीजन भी कम है, तो हीलियम इसका आंसर हो जाएगा। हीलियम जो है वो 25% के अप्रॉक्स में है हीलियम, और 72-73% के अप्रॉक्स में हाइड्रोजन गैस है, और बाकी अदर गैसेस इसमें देख सकते हैं हम लोग। क्लियर है, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो है हीट एनर्जी और लाइट जो है वहाँ प्रोड्यूस होती है, कोर में होती है, हम लोगों ने सन के टॉपिक में इसको कर लिया है, तो इसीलिए इसको मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सबसे कम समय में, ये क्वेश्चन याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोगों ने अगर सन हमारे सोलर सिस्टम के ऑर्बिट को पढ़ाया है, हमारे प्लैनेट्स को पढ़ाया है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे सन से सबसे क्लोज में जो है वो बुध ग्रह है, यानी मरकरी प्लैनेट है। तो जो किसी भी सन के जो नियरेस्ट होगा उसका पाथ सबसे कम होगा, और वो उसको बहुत ही जल्दी टैकल कर लेगा, उसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेगा, वन रिवॉल्यूशन। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे तेजी से और सबसे कम समय में एक चक्कर लगा लेता है। तो शुक्र और पृथ्वी और मंगल जो है इसका आंसर नहीं होंगे, बुध इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, विजुलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल दी है ताकि आप लोग जान सके कि मरकरी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी को एक पाथ पूरा करने में बहुत कम समय का टाइम लगेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे इनके ऑर्बिट्स भी बड़े होते जाएंगे। एज आई टोल्ड यू कि ये एलिप्टिकल शेप में घूमते हैं, एलिप्टिकल शेप में मूव करते हैं, तो इनके जो ये ऑर्बिट्स हैं वो और ज़्यादा लंबे होते चले जाएंगे,
और उनको टाइम लग जाएगा अपने आप को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं? अब सूर्य और पृथ्वी के सबसे निकटतम क्रमशः पूछे गए हैं आपसे, तो सूर्य से सबसे निकटतम तो हम लोगों ने इसको एलिमिनेट कर लिया था कि बुध है, सबसे निकटतम कई बार हम लोगों ने पढ़ रखा है। और पृथ्वी से सबसे निकटतम जो है वो शुक्र ग्रह है, ना कि बुध, ना कि बुध और ना बृहस्पति। तो एलिमिनेट करके हम लोगों ने इसको भी क्लियर कर लिया कि बुध और शुक्र जो है वो हमारे पृथ्वी और सूर्य से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। 13वां प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? ऐसा कौन सा पिंड है जो हमारे पृथ्वी के सबसे ज़्यादा क्लोज है? तो कई बार हम लोग जल्दबाजी में है प्रॉक्सिमा सेंचुरी को लगा देते हैं, लगता है कि हमारे सोलर सिस्टम से पूछा जा रहा है, लेकिन ये पृथ्वी से पूछा गया है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो चंद्रमा होगा। इसका आंसर जो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे यहाँ से नियरेस्ट है, और इसका आंसर जो है चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल कैसी हो जाती है? कुछ फेनोमेनाज है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल कैसी हो जाती है? एक वर्ष में, मतलब कि वर्ष भर समान रहती है, इक्वल रहती है। उसकी स्पीड अधिकतम हो जाती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तीसरा ऑप्शन है, अधिकतम हो जाती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। और चौथा कि न्यूनतम हो जाती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है। तो इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका एक बेहतर एग्जांपल है। यहाँ एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की जब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट उसके पास आती है तो उस पर उतनी ज़्यादा ग्रेविटी लगती है, उतना गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है तब वो और भी तेज़ी से मूवमेंट करती है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर कितने महीने में होती है? मतलब कि हम लोग एपिहेलियन की बात कर रहे हैं, अप्सौर की बात कर रहे हैं। कि अगर डायरेक्ट टेक्निकल शब्दों में पूछ लिया जाए कि अप्सौर जो है कौन से महीने में होता है, एपिहेलियन कौन से महीने में होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 जुलाई को जो है एपिहेलियन का जो फेनोमेना है वो देखा जा सकता है, 4 जुलाई। और जब पेरिहेलियन पूछ लिया जाए, यानी उपसौर पूछ लिया जाए, तो हम लोग उसको 4 जनवरी कह सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये रिपीट हो गई है। तो ऑप्शन जो है, आंसर जो हमारा, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इसीलिए हमको चीज़ें पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती हुई दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिन और रात होने का कारण है, दिन और रात होने का क्या कारण है इसमें? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो इसमें रिवॉल्यूशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसमें परिभ्रमण का कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसमें जो है अपने अक्ष पे घूर्णन का जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, वो असर होता है। इसीलिए इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, बाकी चीज़ों का इस पर असर नहीं होता है। तो रोटेशन के कारण ही, घूर्णन के कारण ही दिन और रात की घटना को देखा जाता है। इस इमेज से आप देख सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, झुकी हुई है, और वो जो है मूव करती है 24 घंटे, इवन 23 hours 56 minutes and 4 seconds का समय लेती है। और इसमें वो क्या करती है, अपने आप को रोटेट करती है, उसमें 24 घंटे का टाइम लगती है, और उसी में डे और नाइट जो है उसमें उस फेनोमेना को देखा जाता है। 18वां प्रश्न है हमारा, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? मतलब कि जब वो अपने ऑर्बिट पे, अपनी कक्ष पे, एलिप्टिकल कक्ष पे मूव कर रही होती है, परिभ्रमण कर रही होती है, रिवॉल्यूशन कर रही होती है, तो वो कितने डिग्री पे झुकी हुई होती है? तो 66.5 डिग्री का वो कोण बनाकर चलती है। तो इसमें हम लोग 23.5 मार्क के गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे गलत करते हैं इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई मान सकते हैं। 66.5 डिग्री का ये जो है कक्षीय कोण बनाती है, कितने पे झुकी है ये नहीं पूछा गया है, कितने डिग्री का कक्षीय कोण बना रही है ये पूछा गया है। इसीलिए हम लोग 66.5 डिग्री को बोलेंगे, और यही इसका राइट आंसर है, और इस तरीके से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं?
एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। हमें पता है कि पृथ्वी से बड़े जितने भी हमारे गैसियस प्लैनेट है वो पृथ्वी से सारे के सारे बड़े हैं। तो अरुण ये ऑप्शन ही गलत, यानी ये पृथ्वी से तो बड़े हैं, छोटे तो हो ही नहीं सकते। वरुण ये भी बड़े हैं, ये हमारे गैसियस प्लैनेट में नहीं आते हैं, ये हमारे आते हैं रॉकी प्लैनेट्स में, तो इसको रोकते हैं अभी। वरुण ये भी हमारे नहीं हो सकते क्योंकि ये हमारे गैसियस में चले गए। तो ये ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट करके ही, हमने अगर हम ज़्यादा दिमाग ना भी लगाएं तो हम एलिमिनेट करके ही मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं सोलर सिस्टम से और यूनिवर्स से। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के इर्द गिर्द जो है परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो मैक्सिमम टाइम लेता है। अभी हमने कुछ समय पहले ये क्वेश्चन किया था कि जो सबसे नज़दीक होगा वो सबसे कम समय में इसको कंप्लीट कर लेगा इस काम को। तो और जो इसका ठीक अपोजिट सेंस बनता है कि जो सबसे दूर होगा उसको एक रिवॉल्यूशन करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं इन चारों में जो है, ये तीन ग्रह जो आप देख रहे हैं बुध शुक्र और मंगल, ये सारे के सारे रॉकी प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल और आंतरिक ग्रह कह सकते हैं इसको, इसीलिए ये जल्दी समय पूरा कर लेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो शनि हो जाएगा और शनि इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी कुछ डिस्कस किया है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रिलेट करते हैं। बाय ऑप्शन भी हम लोग गए हैं, काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे बाकी जो कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी मिस की है, जो कुछ हम टॉपिक्स को अभी कंक्लूड नहीं कर पाए हैं, उन सब टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बाकी चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग इसकी एक और MCQ सीरीज़ लाएंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।